हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। कहता है कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन टेम्पोरली और परमानेंटली। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है जो कैपेबल है इन्फॉर्मेशन या डाटा को टेम्पोरली और परमानेंटली स्टोर करने के लिए। यानी किसी भी डाटा को यह टेम्पोरली या परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है। मेमोरी, मेमोरी किसे कहेंगे हम? तो मेमोरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो इंस्ट्रक्शन को, डाटा को और रिजल्ट को स्टोर करके रखता है। दूसरा में कहता है कि इसमें कंसिस्ट होता है वन और मोर चिप। कहाँ? तो मदरबोर्ड और सर्किट बोर्ड पर। तीसरा कहता है कि इच बाइट स्टोर इन यूनिक लोकेशन। हर बाइट जो है वो उसका एक यूनिक लोकेशन होता है जिसे हम लोग एड्रेस कहते हैं। सिमिलर टू सिट्स इन ए कंसर्ट हॉल। जैसे कि हम लोग किसी कंसर्ट हॉल में जाते हैं, कहने का मतलब कोई कार्यक्रम में जा रहे हैं, जैसे संगीत कार्यक्रम होता है तो वहाँ क्या रहता है? सीट फिक्स रहता है, कुर्सी लगा हुआ रहता है और कुर्सी का नंबर दिया हुआ रहता है किस कुर्सी पर आप बैठिए। या सबसे आसान सा एग्जांपल ले लीजिए आप सिनेमा हॉल का। जब भी आप सिनेमा हॉल सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या देखते होंगे? तो प्रत्येक के लिए सीट, यानी टिकट जब हम लेते हैं टिकट पर सीट नंबर लिखा हुआ रहता है और सीट के पीछे भी सीट नंबर लिखा हुआ था, वहाँ जा करके बैठ करके हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी के क्षमता के बारे में। तो यहाँ कह रहा है कि वन बिट इक्वल टू वन बाइनरी डिजिट। वन बिट में क्या होता है कि वन बाइनरी डिजिट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बाइनरी डिजिट कौन कौन सा होता है? एक जीरो होता है और दूसरा वन होता है। क्या होता है? एक जीरो और दूसरा वन, यानी जीरो और वन जो है यह बाइनरी डिजिट है। अब ये हो गया वन बिट और ये हो गया वन बिट। यानी उसके बाद देखिए आप कहते हैं कि वन निबल इक्वल टू फोर बिट्स। अब वन निबल जो होगा उसमें कितना बिट्स होगा? फोर बिट्स होगा। फोर बिट्स कैसे? मान लीजिए कि वन जीरो जीरो वन, या हो सकता है वन जीरो वन जीरो, यानी वन बिट वन बिट वन बिट और वन बिट, यानी चार बिट का वन निबल होता है। अब कहते हैं कि वन बाइट इक्वल टू एट बिट्स। अब एट बिट्स जैसे लिखते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब हर क्या आते हैं? बिट है। हर एक जीरो और वन क्या है? बिट है। और एट बिट को जब हम एक साथ मिला दिए तब यह क्या बन गया? बाइट बन गया। इसी तरीका से अब बाइट को क्या होगा कि 1024 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू वन किलो बाइट। 1024 बाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन किलो बाइट। बस उसी तरीका से आगे भी करते जा सकते हैं कि 1024 KB इक्वल टू कितना? वन मेगाबाइट, यानी वन MB। इसके बाद देखिए 1024 MB इक्वल टू वन GB, यानी गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट का वन गीगाबाइट होगा। इसके बाद 1024 GB का क्या हो जाएगा? वन TB, वन टेराबाइट। तो जैसे मान लीजिए कि इस पर आप लोगों को मैथमेटिकल इक्वेशन भी मिल सकता है। जैसे आपको पूछ देगा क्या सो फाइव ये सॉरी टू MB इक्वल टू डैश KB। अब क्या करना है कि MB को KB में चेंज करना है, यानी बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में चेंज करना था, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 MB में कितना होता है? 1024 KB होता है, 1024 KB। तो दो में कितना होगा? 2 × 10 = 24 इक्वल टू कितना? 2048, यानी 2048 हो जाएगा। तो इस तरीका से आप कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी का वर्गीकरण। तो मेमोरी जो है हमारा कितना है? तीन प्रकार का। कौन सा? एक है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, दूसरा है मेन मेमोरी और तीसरा है सेकेंडरी मेमोरी।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी के बारे में। तो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी में क्या कहता है कि ए स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द प्रोसेसर, यानी एक हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि प्रोसेसर के अंदर रहता है। टेम्प्रोरी स्टोर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, यह इंस्ट्रक्शन और डाटा को टेम्प्रोरली स्टोर करके रखेगा। एग्जाम्पल में रजिस्टर्स है, बिल्ट इन केस है। इसके बाद देखिए, अब कहता है कि मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है? तो मेन मेमोरी क्या कहता है कि इट इज रिलेटिवली लार्ज मेमोरी। क्या है यह? बड़ा मेमोरी है। प्लेस्ड आउटसाइड द प्रोसेसर, यह कहाँ स्थित रहता है? तो प्रोसेसर के बाहर। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली एंड रैपिडली बाय द सीपीयू, इसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, जैसे रैम और रोम। ये देखिए कि इमेज ऑफ मेन मेमोरी दिया हुआ, तो रैम और रोम दोनों हमारा क्या है? मेन मेमोरी है। अब टाइप्स कहता है मेन मेमोरी का। टाइप्स, मेन मेमोरी दो टाइप्स का है, टू टाइप्स है। एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। तो यह क्या है? टेम्प्रोरी स्टोरेज है। क्या है? टेम्प्रोरी स्टोरेज है। कैन बी रीड फ्रॉम और रिटन इन टू बाय द यूजर, रीड और राइट यूजर के द्वारा किया जा सकता है। वोलेटाइल मेमोरी, यह क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है, यानी रीड राइट हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि एवरी लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड इंडिपेंडेंटली, हर लोकेशन को स्वतंत्र पूर्वक यह एक्सेस कर सकता है। एक्सेस टाइम फॉर एवरी लोकेशन इज कंटेंस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजिशन। टू टाइप्स ऑफ रैम, रैम का कितना प्रकार है? तो दो प्रकार है, एक है डी रैम यानी डायनेमिक रैम, और दूसरा है एस रैम, स्टैटिक्स रैम। देखिए, अब डायनेमिक रैम, तो डी आर ए एम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैम। डी आर ए एम अगर लिखा हो तो आप इसका मतलब डायनेमिक रैम समझिए। रिलेटिवली स्लोअर एंड लो कॉस्ट मेमोरी, क्या है यह? स्लोअर यानी उतना फास्ट नहीं चलेगा, और कॉस्ट भी इसका कम होगा। यूज्ड फॉर मेन मेमोरी, इसका उपयोग मेन मेमोरी के लिए किया जाता है। कंटेंट्स आर कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड 1000 times per second, यानी किसी भी कंटेंट्स को यह लगातार रिफ्रेश कर सकता है। कितना बार? 1000 बार एक सेकेंड में। कहता है एक्सेस टाइम 60 से 70 नैनो सेकेंड होता है इसका। किसी भी चीज़ को एक्सेस करने का समय जो होगा वो 60 से 70 नैनो सेकेंड होगा। अब इसका टाइप्स का दिया हुआ है, तो इसके टाइप्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से समझ लीजिए। इसके बाद देखिए स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या होता है कि एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। अब एस रैम कहीं लिखा हुआ मिले तो आप लोग क्या समझिए? स्टैटिक रैम। कहता है करेक्टराइज्ड बाय हाई स्पीड एंड हाई कॉस्ट, यह हाई स्पीड और हाई कॉस्ट है मेमोरी है। यूज 6 ट्रांजिस्टर टू स्टोर डाटा, इसमें 6 ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। किस चीज़ के लिए? तो डाटा स्टोर करने के लिए। एक्सेस टाइम 60 to 70 नैनो सेकेंड, इसका भी एक्सेस टाइम वही है 60 से 70 नैनो सेकेंड। कैन एक्सेप्ट 1 command एंड ट्रांसफर 1 word ऑफ डाटा पर क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल में, यानी डाटा लेगा और डाटा देने में कितना लगाता है? कहता है एक्सेप्ट 1 word और 1 command, एक वर्ड और एक कमांड यह एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए रीड ओनली मेमोरी, यानी क्या है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। ए क्लास ऑफ स्टोरेज यूज इन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यह क्या है? एक स्टोरेज का ही क्लास ग्रुप है जिसका उपयोग कंप्यूटर में या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग करते हैं। डाटा स्टोर्ड इन इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यहाँ ध्यान दीजिए, रैम में जो डाटा है वो मॉडिफाई होता है, उसको हम रीड और राइट कर सकते हैं, लेकिन रोम के अंदर जो डाटा है कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इन मॉडर्न पीसी रोम इज यूज्ड टू स्टोर द बेसिक बूटस्ट्रैपिंग फर्मवेयर फॉर द मेन प्रोसेसर एज वेल एज द वायरस फर्मवेयर नीडेड टू इंटरनली कंट्रोल सेल्फ कंटेंड डिवाइस सच एज ग्राफिक्स कार्ड,
हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइवर यानी वायरस से बचाने के लिए भी इस सब को करते हैं। इसके बाद देखिए आप टाइप्स ऑफ रोम, टाइप्स ऑफ रोम को अगर देखा जाए तो रोम कितना प्रकार का एक है, स्ट्रिक्ट रोम, पी रोम, ई पी आर ओ एम, ई पी आर ओ एम, ई ए आर ओ एम और फ्लैश रोम। तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पर, तो रोम पर। तो रोम क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डाटा स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी इलेक्ट्रिकली मॉडिफाइड आफ्टर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेमोरी डिवाइस। अगर मेमोरी डिवाइस एक बार बन गया तो इसमें जो डाटा इंसर्ट हो गया उस डाटा को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है पी आर ओ एम, पी आर ओ एम क्या है, तो कहता है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज ए फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी वेयर द सीटिंग ऑफ इच बिट्स इज लॉक्ड बाय फ्यूज और एंटी फ्यूज, द डाटा इन देम आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। इसमें भी जो डाटा होगा वह भी परमानेंटली होगा, वह भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद है ई पी आर ओ एम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हुआ। क्या कहता है कि इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज्ड, इसमें हम लोग इरेज्ड और रीयूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू, अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा हम इसे इरेज कर सकते हैं और फिर से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है ई ई पी आर ओ एम, ई ई पी आर ओ एम का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्या है कि इज यूजर मोडिफाइबल रीड ओनली मेमोरी दैट कैन इरेज एंड रिप्रोग्राम्ड रिपीटली, यानी इसे हम बार बार क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और फिर से इसमें प्रोग्राम दे सकते हैं। थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ हायर देन नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अनलाइक ई पी आर ओ एम चिप, ई पी आर ओ एम डू नॉट नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर, और इसे कंप्यूटर से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होता है। इसके बाद है ई ए आर ओ एम, ई ए आर ओ एम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकली अल्ट्रेबल रीड ओनली मेमोरी इज ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट कम्बाइंस द करेक्टरिस्ट ऑफ रैम एंड रोम। इसमें क्या होगा, अब ई ए आर ओ एम में क्या होगा, इसमें दोनों मेमोरी का गुण आएगा, रैम का भी आएगा और रोम का भी आएगा। इट इज़ नॉन वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल है लाइक रोम, रोम के जैसा, बट कैन बी रिटन इन टू बाय द प्रोसेसर, प्रोसेसर के माध्यम से लिखा जा सकता है, रिटर्न किया जा सकता है। इसके बाद आपका लास्ट है फ्लैश रोम, तो फ्लैश रोम इज एन इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रिप्रोग्राम्ड। द टू मेन टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी आर नेम्ड आफ्टर द एंड 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 नॉर लॉजिक गेट्स। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। क्या है सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, मच लार्जर इन कैपेसिटी बट स्लोअर देन मेन मेमोरी, यह कैपेसिटी में तो बहुत बड़ा है, क्या है लार्जर है लेकिन स्लोअर है मेन मेमोरी की अपेक्षा, जैसे हमारा कि रैम और रोम है उसकी अपेक्षा यह मेमोरी स्लो काम करेगा। परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, यह डाटा और इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है, जैसे एग्जांपल में हार्ड डिस्क और सीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव हो जाएगा, ठीक, और भी बहुत सारा स्टोरेज डिवाइस होगा। इसके बाद देखिए मेमोरी हायरार्की है, तो अब इसमें क्या कहता है कि इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर द मेमोरी हायरार्की इज कॉन्सेप्ट यूज टू डिस्कस प्रोग्रामेंस इशूज इन कंप्यूटर आर्किटेक्चरल डिजाइंस एल्गोरिथम प्री डिसीजन प्रीडिक्टेशन एंड लोअर लेवल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग लॉजिकली और
ऑफ रेफरेंस द मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर स्टोरेज सेपरेट्स इच ऑफ इट्स लेवल बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टाइम, यानी रिस्पॉन्स टाइम पर इसका जो है अपना चेंज होते रहता है। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके और जूम करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी में क्या है, कहता है कि सिस्टम परफॉर्मेंस सफर व्हेन प्रोसेसर वेट्स फॉर डाटा फ्रॉम स्लो मेमोरी डिवाइस। अब क्या होगा, प्रोसेसर जो होगा वो वेट करेगा, इसमें किस चीज़ का वेट, तो डाटा का वेट करेगा जो कहाँ से आ रहा है, तो स्लोअर मेमोरी डिवाइस से आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क से जाता होगा या सीडी से जाता होगा, पेन ड्राइव से जाता होगा, तो बहुत सारा है। सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस है वो स्लोअर है, कैपेसिटी में ज़्यादा है लेकिन स्लोअर तो है। फिर है कैश मेमोरी इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। क्या करता है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में इंट्रोड्यूस करता है। कैश इज ए हाई स्पीड मेमोरी फॉर होल्डिंग रिसेंटली एक्सेस डाटा इन मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी में जो डाटा को हम रिसेंटली एक्सेस किए हैं, उसका उपयोग किए हैं, उसे होल्ड करके रखता है। द अमाउंट ऑफ कैश मेमोरी हैज ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द कंप्यूटर स्पीड। इसके बाद टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी है, तो सबसे पहला लेवल वन और लेवल टू। लेवल वन में सीपीयू रेसिडेंट कैश और दूसरा है मदरबोर्ड रेसिडेंट कैश। तो सीपीयू है, कैश है और मेन मेमोरी, जैसे ये हमारा सीपीयू हो गया, ये कैश मेमोरी हो गया और ये क्या चीज़ हो गया हमारा मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी से जो डाटा जाएगा उसको होल्ड करके रखेगा और यहाँ से जो डाटा जाएगा उसे फिर मेन मेमोरी में पहुँचाएगा। ये दोनों के बीच में क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं द ऑपरेशन ऑफ कैश मेमोरी, इसका ऑपरेशन किस तरीका से होता है, कैसे जा रहा है, बस कनेक्शंस के जैसा होता है। इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके बाद है एट ए ग्लांस में क्या चीज़ हमको पढ़ना है, तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़े थे। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार का होता है, रैम और रोम, जिसे हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। अब रैम स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में पढ़े थे। रोम में रोम PROM, EPROM, EEPROM, EAROM और फ्लैश रोम के बारे में ही पढ़े थे। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार का, एक होता है सिक्वेंशियल और दूसरा है रैंडम। सिक्वेंशियल में है मैग्नेटिक टेप है, ग्रामोफोन रिकॉर्डर है, और रैंडम में है CD, HD, मास स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक। यानी ये HD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो इस तरीका से हम लोग पढ़े। अब इसका देखिए, हम जो चैप्टर पढ़े इसका कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। निष्कर्ष यही निकल रहा है कि मेमोरी जो है यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का। इसके बिना कंप्यूटर को का उपयोग करना संभव नहीं के बराबर है, यानी बिना मेमोरी का हम ग्रेटर सेंस यानी बड़ा उद्देश्य लेकर के कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर मेमोरी नहीं है हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो बढ़िया से समझ लिए होंगे। अगर आप वीडियो को बढ़िया से समझ लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में कमेंट भी कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके, ब्रेन टेक नाम का चैनल इंस्टाग्राम पर भी बना हुआ है, वहाँ आपको वीडियो, इस वीडियो का लिंक और PDF, यानी जो भी वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर डालेंगे उसका PDF और लिंक दोनों आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इंस्टाग्राम इंस्टॉल करके और ब्रेनटेक चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।